3, 2, 1. कश्मीर बनिहाल में आ चुके हैं। छोटी छोटी ये छोटे छोटे पेड़ है ना, ये एप्पल के ये पेड़। कश्मीर में आपका स्वागत है। देखो एप्पल लगा हुआ, देखो कश्मीर के घर है। ये तो है वो रस्ता शायद मैदान ही है। ऐसे में छुट्टे साल है यहाँ। अरे आ भी पाते हैं तो यहाँ के लोकल लोगों के उनसे आ पाते हैं, देखो मतलब ही नहीं आ पाते। अनंतनाग खान वाल अनंतनाग कॉलेज। शाम तो काम
नंबर तो रहा है। छोटे पेड़ होते हैं एप्पल जूस बना बना के देंगे मैडम अंदर बनाना नहीं आंटी ये तो नेचुरल है ये बनाया थोड़ी देर है आप बना दे भगवान बाहर भगवान लगाना है बाहर तो नेचुरल होते हैं आंटी ये बनाया थोड़ी जाता है दो नदी बट गई इधर ये नदी में आए थे था पूरा पानी ये तो हमारी बस आपने देखी होगी जय श्री राम दिखावा बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत जगह दिखाऊंगा बाकी मैं यार सही कहते हैं कि कश्मीर स्वर्ग स्वर्ग मैंने पहली बार आया हूँ और पहली बार मैंने देखा इतने नज़ारे और मैं तो कहता आप भी आओ एक बार ज़रूर आओ अपने जितने भारत के लोग हैं जिनने नहीं आए वो ज़रूर आओ यहाँ पर हम आउट ऑफ कंट्री की तारीफ करते हैं लेकिन अपनी कंट्री भी देखो एक बार अपनी कंट्री के आ गया मैं तो कह रहा हूँ और कंट्री कुछ है ही नहीं एक बार देखो अपनी आंखों से जब आपको पता लगेगा चलो मैं दिखाता हूँ आपको छुआ मंतर है एक दो मत जाना देख रहे कितनी खूबसूरत जगह है एकदम ठंडा भाई साहब ठंडा पानी एकदम चिल्ड ये हमारा सारा ग्रुप है दिल्ली वालों का ग्रुप ये लड़की डरती गिर मत जाइए
बड़ी खूबसूरत जगह है यार तिवारी कसम भाई साहब। आए तो देखो आ जाओ जी आ जाओ ध्यान से कसम से यार आज मेरा मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना खुश हूँ बहुत खुश हूँ। मैं आज इतना सुंदर नज़ारा अपने स्वर्ग बिल्कुल अपने पास से अपनी आंखों से देखा है। मैं तो कहता हूँ आप जरूर आओ एक बार आओगे बार बार आने का मन करेगा और मेरे को नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे ज़रूर। तो हर हर महादेव और महादेव जी की कृपा से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं क्यों तारीफ़ कर रहा हूँ जब आप खुद आओगे ना जब आप खुद ही बोलोगे कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ निकल बोलो हर हर महादेव। देखो इधर देखो इधर देखो तुम तो इधर देखो बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा इधर देखो इधर देखो इधर देखो ऐसे की सुनो इधर सब हाँ बढ़िया आ रही है। हेलो बहुत मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम खूब लाइफ के मज़े ले रहे हैं विद टेंशन मत फिर काम धाम में दिमाग की दही हो जाती है यार सब चीज़। लेकिन अब फ्री हो गए एक बार मैं कहता हूँ कसम से कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ सच्ची कह रहा हूँ एक बार ज़रूर आओ यहाँ घूमने यार अपना देश ही है कश्मीर और यहाँ पर ज़रूर आओ। अमरनाथ की यात्रा भी करो भोले बाबा के दर्शन भी करो और रास्ते में नज़ारे के मज़े लो। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ अगर आओ तो आप अपनी गाड़ी से आओ ना तो बहुत बढ़िया है और बहुत फ़ायदा मैं ही सुन लूँगा अभी ठंडक हो रही है। ऊपर देखो मैं जब से आओ मैं कच्चे में घूम रहा हूँ लेकिन अब थोड़ा शाम हो गई तो यहाँ पानी के किनारे ठंडा मौसम हो रहा है तो इस वजह से थोड़ी सी मेरे को ठंड सी महसूस हो रही है मैं थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो अपने जो व्हीकल से आओगे आप उसको कहीं भी रोक लो रास्ते में इतने अच्छे नज़ारे थे अब लास्ट में वीडियो देखोगे ना तो आपको दिखेगा। अपनी गाड़ी से आओगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और सब कुछ लेके चलो अपनी गाड़ी में सिलेंडर छोटा अपना खाने पीने का जो भी है लेके चलो। हाँ अंकल जी बैग वगैरह अपना अंकल जी पहली बार आए हो और भी काफ़ी पहली बार आए हो दूसरी बार आए हो तो ऐसी जगह रुके हो नहीं ऐसे देखने आए थे तो मतलब कैसा हमारा बहुत बढ़िया है ना बहुत ही बढ़िया चाहते हैं और लोग आए यहाँ पे हम आए थे वैष्णो देवी हमारे गेट थे। अच्छा फिर हमें टाइम मिल गया तो हम यहाँ पे आए थे अमरनाथ जाने के लिए नहीं ऐसे घूमने के लिए कश्मीर घूमने के लिए। अच्छा ये 89 की बात अच्छा 89 1989 में आए थे आप 89 में तो मेरा जन्म हुआ था। आंटी कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है खुल के मजे लो एंजॉय करो। मैं तो चाहता हूँ पूरा देश आए यहाँ पे घूमने जरूर आए एक बार बाबा अमरनाथ के दर्शन भी करें और यहाँ भी घूमे कश्मीर में। अपनी ज़िंदगी क्यों वेस्ट करते हो यार यहाँ जरूर आओ एंजॉय करो। और हमारा बबुआ कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है कश्मीर में घुमा दिया अब तो मैंने भाई मेरे को एक अफसोस है मेरी मम्मी नहीं आ पाई मेडिकल नहीं हुआ मम्मी तो और एंजॉय करती मम्मी को पसंद है ऐसी जगह मम्मी मिस यू लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर देखेंगे ठीक है ना सबको ये गाड़ी करेंगे गाड़ी में आएंगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर घुमाने जाना फैमिली लेके आएंगे। ओके हर हर महादेव हर हर महादेव। मम्मी देखो इतना बढ़िया नज़ारा है मज़ा आ रहा है मज़ा बैठी रहो देख रहे सीधा पानी ग्लेशियर से आ रहा है और कितने तेज साउंड है पानी का ये देख सकते हो। ये सब हमारे बस के ग्रुप के आदमी है ये लोग सामने पर्वत विशाल
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखो आंटी कैसे कैसे आ रही हैं, कितनी कठिनाइयों में बच्चे बताते नहीं मज़ा आ रहा भाई साहब, मेरे तो पैर एकदम सुन्न हो गए। मैं तो काफ़ी देर से पानी में घुसा रखे थे अपने पैर, ये देखो, और अब ठंड भी महसूस हो रही है मेरे को। तो वो हमारे बस के गोल्लू साहब नहा रहे और हमारी आर्मी के जवान, अरे भारत माता की जय। देख सकते हो कितना कुदरत का खूबसूरत नज़ारा है और ये लोग सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एक यहाँ से फ़ोटो लेना बनता है, हमारी पार्टी ये बैठी तो भाई मज़ा आ रहा है बहुत। भाई हमने तो बहुत मज़े करे, बहुत एंजॉय करा और सबने एंजॉय करा करा आंटी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा पहलगाम के लिए, जहाँ हमारा मेन पॉइंट है, जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। आज तो हम जाके पहुँचेंगे, रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग मतलब कल यात्रा अपनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बाकी नज़ारे मैंने दिखाया आपको, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं फिर एक बार और बोलूँगा यार, आप बोलेंगे बार बार बोल रहा है यार, दिल खुश है तभी बोल रहा हूँ, एक बार ज़रूर आना, जरूर आना, जरूर आना। चाहे अमरनाथ बाबा की यात्रा या ना करो, वैसे ही घूमने आप आ जाना कश्मीर में, ठीक है, क्योंकि 2 महीने खुलता बाबा अमरनाथ का, तो उसके बीच में आप आ सकते हो क्योंकि बर्फ़ गिरती रहती है, ठीक है। और अब तो हमारी पूरी जगह पूरे कश्मीर में हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी है, तो टेंशन मतलब किसी चीज़ की। सल्यूट मारो, भारत माता की जय बोलो। हर हर महादेव। हम पहलगाँव चेक इन पॉइंट पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारी पूरी बस की चेक इन होगी, हमारे सारे सामान की चेकिंग होगी। अब हम वहाँ जा रहे हैं, वेलकम टू यात्री लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। पूरे ये यात्री पॉइंट चेक इन पॉइंट है, पहला यात्री चेक पॉइंट हमने क्रॉस कर लिया है। बैग चेक इन हुई हमारे सारे के सारे स्कैन हुए, हमने क्रॉस कर लिया। अब हमारी बस आ रही है, बस में बैठेंगे, बस की चेक इन भी हो गई है और वो रही जैसे हमारी बस वो खड़ी। अब आगे बढ़ना है, आगे बस मिलेगी हमें, बस में बैठना है, बाकी देखो आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा जो हमने बीता हमारे ऊपर, ठीक है। और बाकी जो अच्छा हुआ अच्छा, बुरा हुआ बुरा। भैया ये हमारे उस्ताद जी, हाँ जी, तय राम राम। तय बताए यहाँ से कितनी दूर रहेगा? वो चंदनवाड़ी जाएंगे यहाँ से सीधा, है एकदम ये पहला चेक पोस्ट है आपका, एक ही चेक पोस्ट आती है वो बस। आप चंदनवाड़ी से यात्रा चालू कल,
ओके चलिए भाई साहब, हमारी बस रेडी हो चुकी है, अब चलने को तैयार है। अभी हमारी सवारी का ना सोच रही है क्या करे क्या ना करे। भाई साहब हमारी सवारी ना दुखी हो रही है, क्या करे, होटल में रुके नहीं रुके या यहाँ से चंदनवाड़ी जाए 200 रुपये में टैक्सी में, क्योंकि बस इससे आगे तो जाने दे नहीं रहे। ठीक है, बस ये पार्किंग आप देख सकते हो मेरे पीछे, पहला चेक पोस्ट पड़ा था, उसके बाद 100-200 मीटर पर पार्किंग है, तो यहीं घुसवा दिया पार्किंग में। अब यहाँ से या तो आप पैदल जाओ या तो आप टैक्सी करेंगे, यहाँ पर टैक्सी मिलेगी आपको 200 रुपये की पर बंदा, ठीक है, और यहाँ होटल भी मिल जाएंगे। तो हमारा सोच रहे क्या करें, होटल में रुके नहीं तो वहाँ जाए, तो वहाँ तो कैंप मिलेंगे, कैंप में आपको रुकना पड़ेगा, कैंप कैसा है कैसा नहीं वो तो अभी हमें नहीं पता। हमने सोचा कि यहाँ होटल में रुक जाए, नहा धो के सुबह सुबह 4 बजे निकलना है, टैक्सी पकड़ेंगे। तो उसने बोला टैक्सी आएगी अपने होटल पर, वहाँ से लेकर हम अपने सीधा वहाँ पर चंदनवाड़ी जाएंगे, फिर वहाँ से अपनी यात्रा चालू करेंगे। ठीक है, बाकी जैसे जैसे होता है मैं आपको वीडियो बनाऊँगा बताऊँगा, ये यहाँ तक का ब्लॉग होगा, मैं जब दिखा दूँगा आपको। ठीक है, यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है, थोड़ी धूप लग रही होगी लेकिन बहुत अच्छा। ये सब चिंता कर रहे हैं बैठ के, क्या करना है, बैग रख दिया हमने इसमें, बस छुट्टी, मौज करेंगे खोज करेंगे भोले। भैया सारा सामान निकाल नुकूल के, इतना मतलब जो ज़रूरत नहीं थी, एक जोड़ी हमने पहन लिया है ये देखो, और एक जोड़ी हमने रख लिया है, ये खाने का सामान ले लिया थोड़ा बहुत, और बैग ले लिया है, और ये हमारे भाई ने भी ले लिया है बैग, जितना हल्का हो सके उतना हल्का कर लो, उतना ही हल्का, और शूज़ वगैरह और थोड़ा सा वैसा सामान लेके जाना चाहिए, ड्राई फ्रूट वगैरह, ताकि रास्ते में आपको दिक्कत ना हो, और एनर्जी ड्रिंक वगैरह कुछ ऐसे लेके जाना चाहिए जिससे कि ORS का घोल हो गया, जिससे कि आपको ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना हो, और बस ये भैया कई बार आ चुके हैं, हम तो फर्स्ट बार आए, तो थोड़ा सा बता रहे हैं उसके बारे में, तुम्हें दिक्कत ना हो, बाकी तो मैं बताऊंगा आगे क्या क्या होगा। आंटी भी रेडी, आंटी की लड़की भी रेडी, आंटी की भाभी भी रेडी, चलो। और जीजा जी कहाँ गए, ये हमारे देश की आर्मी खड़ी है, सलूट है इनको दिल से, जितनी तारीफ करो उतनी कम है, और यह है तो हम हैं, इनके वजह से ही हम बेटेंशन यात्रा कर सकते हैं। और अभी से पड़ाव चालू हो गया ढलान, टो टो करती है आर्मी की गाड़ी, हट जाओ साइड हो जाओ। बाकी अभी हम जा रहे हैं कमरे पे, वहाँ रेस्ट करेंगे आज, यहाँ तक का ब्लॉग रहेगा जो आज का मैं दिखाऊंगा, फिर हम निकलेंगे सुबह सुबह, कल का ब्लॉग अलग होगा। तो आज है वैसे 18 तारीख थी आज, फिर आगे आगे जैसे जैसे यात्रा चालू होगी, जैसे डे बदलेगा वैसे मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो हर हर महादेव। पहलगाँव है झापे, ये पहलगाँव मेरे पीछे, अब हम जा रहे हैं टैक्सी में, और ये अपना इंडियन ऑयल, ये पूरे भारत में हर लास्ट के उस पर मिलेगा आपको। ठीक है, और बाकी देखो टैक्सी कर लेंगे, यहाँ ऑर्डर लेंगे जैसे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, गरम गरम भुट्टा फायदेमंद तो है, 30 रुपये का। वो खड़ी है हमारी बस, गाना हो चुके हैं टैक्सी में, अब हम पहलगाम में, पहलगाम से होटल में जा रहे हैं टैक्सी में, पहलगाम की जो मार्केट है पहलगाम। ये गाइस फुर जोर कितनी लगी अंग्रेजी
में जाएंगे। अच्छा जाते जाते अंकल की आदमी ना खाल फंस गई, अंकल ना ऊपर नीचे कर रहे थे, होटल आ गया अपना भाई, तंदे का टाइम आ गया, बहुत मजे ले लिया तुमने बैठ के आके। होटल में तो मार गए हमारे, देखो परूम करा आपको चलते चलो आ जाओ आ जाओ कम यार। अरे ऊपर आ जाओ भाई, ये हमारा कमरा है देखो, पर्दे वाला कमरा। हाय गाइस, सब पहुंच गए? मैं गाइस नहीं करता, मैं कहा सीधा भाई क्या हाल है। ये भाई लेंगे पूरा गद्दे का मजा। और भाई ये तो गद्दे पूरे अंदर नीचे कर लेने हैं मजा। बस करो नीचे गुद्दा कर लिए। भाई आज तो कॉमेडी हो गई बढ़िया वाली। मैं तो पता नहीं क्या नीचे चार ये सारे हमारे आदमी है, हाँ सब इनके आदमी है। और सब आदमियों की भाई सफर कैसा कटा, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले। ये दिन और ये टाइम याद रहेगा, और कल से हम यात्रा चालू करेंगे। एक एक एपिसोड में आपको दिखाता रहूंगा क्या हमें तकलीफ हुई, क्या मजा आया, क्या हुआ सब कुछ। ओके मिलते बाकी भंडारे में। थोड़ा शाम का समय भाई, घूमना है मैं, चलो थोड़ा घूम ले मार्केट, यहाँ की पहलगाँव की मार्केट भी देख ले। सब तो नहीं अंदर रेस्ट कर रहे क्योंकि थक गए भाई, सब सो रहे। और ये हमारे नीतीश, नीतीश भाई है, यहाँ पे ठंड है, ठंड है देखो, जैकेट पहन लिया हमने शाम, जब दिन में हमने बस खड़ी करी थी, धूप निकल रही थी लेकिन ठंड थी, एसी जैसी, हाँ कूलिंग। और अब मैं चलो थोड़ा मार्केट घूम लेते और आपको भी दिखाते हैं यहाँ की मार्केट। ओके तो बने रहो चैनल से। शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है पहलगाँव। पीछे पहाड़ और ये सब, यहाँ भाई जैकेट भी बिक रही है, यहाँ पे बढ़िया मार्केट, यहाँ मिल जाएगी जैकेट आप वगैरह देख तो। चलो गर्म कपड़े है सब कुछ है, लेकिन रेट का मुझे ये अंडा बंडा भाई, ये गर्म कपड़े, ये सब कुछ, सब सब्जी वब्जी सब मिल जाएगी भाई आपको। और ये रूम है, होटल है बढ़िया बढ़िया। तो आपकी इच्छा है कौन सा होटल लेना चाहते हो, कौन सा नहीं, अपने रेट के हिसाब से, जेब के हिसाब से देख लेना। ये शाम का कुछ ऐसा नज़ारा पहलगाम का मार्केट का, हम घूम रहे हैं। चलो दो समोसे खाए, लेकिन समोसे यार ठीक थे, उनकी चटनी ज़्यादा बढ़िया थी इससे तो अच्छा है, ठीक है जैसे टाइम पे मिले। सबसे सस्ता वही लगा मैं तो, यहाँ 15 रुपये। और जिस होटल में हम रुके हुए हैं ना, उस होटल की चाय का रेट था भाई साहब 40 रुपये, पता नहीं कौन से दूसरे बना के दे रहा था। ये हमारे ग्रुप के हैं, ये सामने वाला। चलो भाई हाँ हम आते हैं, मिलते हैं फिर सुबह।